नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मा ज्ञान पर आज हम बात करने वाले हैं ऑटोक्लेव क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन की ऑटोक्लेव का क्वालिफिकेशन कैसे किया जाता है वो इस वीडियो की सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं तो जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसमें हम ऑटोक्लेव के क्वालिफिकेशन की स्टेप बाई स्टेप डिस्कसन करेंगे ये जो वीडियो है इसमें हम बेसिक साइकिल्स जो हमारी एक ऑटोक्लेव की एक साइकिल होती है उसमें बेसिक्स क्या क्या हैं कौन कौन से पैरामीटर्स uh, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा ज्ञान लेट्स कंटिन्यू द वीडियो सो जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑटोक्लेविंग क्या होता है स्टेरियलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें ऑटोक्लेव में हम किसी भी आर्टिकल्स या फिर मीडिया का स्टेरलाइजेशन हम करते हैं तो सो व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन स्टीम स्टेरिलाइजेशन इज अचीव बाई एक्सपोजिंग द आइटम्स टू बी स्टेरिलइज विद सेचूरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर स्टीम एनहसेज द एबिलिटी ऑफ हीट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाई रिड्यूसिंग द टाइम एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डी नेचर और क्वागुलेट प्रोटीन्स इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो स्टीम स्टेरिलाइजर में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मीडिया या आर्टिकल्स हैं उनको सेचूरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर में रखकर उसको स्टेरिलाइज करते हैं तो जो स्टीम होती है वो क्या करती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बैक्टीरियल सेल वाल में जो प्रोटीन्स होता है उसको कोआगुलेट कर देती है या फिर डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो आर्टिकल है उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं सो स्टीम स्टेलाइजेशन में जो बेसिक साइकिल हैं वो कौन कौन सी एक अगर हम रन चलाते हैं तो उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं द फर्स्ट वन जो फेज होता है वो प्री कंडीशनिंग फेज होता है सेकेंड फेज जो होता है हमारा एक्सपोजर होता है प्री कंडीशनिंग के बाद में जस्ट बाद में हमारा हीटअप uh, फेज़ होता है लेकिन हम यहाँ पर मेन थ्री फेजेस होते हैं वो ही डिस्कस करेंगे वैसे तो एक जनरल साइकिल अगर हम देखें तो उसमें नंबर ऑफ फेजेस होते हैं मतलब बहुत सारी स्टेप होती हैं लेकिन जो मेन स्टेप्स हैं वो तीन ही स्टेप हैं प्री कंडीशनिंग सेकेंड वन एक्सपोजर एंड द थर्ड वन इज़ पोस्ट कंडीशनिंग तो ये जो तीनों फेजेज या फिर स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं तो द फर्स्ट वन स्टेप इज प्री कंडीशनिंग प्री कंडीशनिंग में क्या होता है इन प्री कंडीशनिंग ड्यूरिंग दिस फेज एयर इज़ रिमूव फ्रॉम द चेंबर एंड द लोड इज ह्यूमिडिफाइड बाई मीन्स ऑफ अल्टरनेटिंग वैक्यूम एंड प्रेशर पल्सेस तो जो हमारा लोड होता है या आर्टिकल्स जिसको हम स्टेलाइज करने के लिए स्टीम स्टेलाइजर में डालते हैं तो उस टाइम पे क्या है कि एयर भी उस आर्टिकल्स में या लोड में हो सकती है या होती है दोनों चांसेस होते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसमें अल्टरनेट वैक्यूम और प्रेशर पलसेस नेगेटिव और प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर पल्सेस इसमें डालते हैं और वैक्यूम क्रिएट करते हैं इससे क्या होता है कि जो एयर होती है वो एयर रिमूव हो जाती है चैम्बर से एयर रिमूव हो जाती है तो जो हमारा स्टेरिलाइजेशन है वो इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन हो जाता है अगर एयर प्रेजेंट रहती है हमारे चैम्बर में तो जो स्टेरिलइजेशन होता है आर्टिकल का वो कंप्लीट स्टेरलाइजेशन नहीं हो पाता है ये जो एयर है या फिर जो भी टेम्परेचर वगैरह छः सात पैरामीटर्स हैं इनको मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ आप चाहो तो वीडियो में जो प्ले है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हैं एयर के एयर रिमूव नहीं करने के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है टेम्परेचर एयर स्टीम कांटेक्ट डायरेक्ट स्टीम कांटेक्ट ये सारे पैरामीटर्स मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोजर ड्यूरिंग दिस फेज द चेंबर टेम्परेचर इज़ रेस्ट एंड फॉर द प्रोग्राम एक्सपोजर टाइम बोथ थर यूजर सिलेक्टेबल तो इस फेज में क्या होता है कि हम एक टेम्परेचर और प्रेशर को प्रोग्राम करते हैं स्टेलाइजिंग टेम्परेचर और सॉरी प्रेशर ने टाइम एक टेम्परेचर जैसे एग्जाम्पल के लिए हम वन ट्वेंटी सेंटीग्रेड सिलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड एग्जाम्पल के लिए हम थर्टी मिनट ले, ले लेते हैं तो जो टाइम और टेम्परेचर होते हैं वो दोनों को हम प्रोग्राम कर सकते हैं कितनी देर के लिए हमें कितने टेम्परेचर पर स्टेलाइजेशन चलाना है द एक्सपोजर अल्सो मे बी कंट्रोल्ड बाई एक्टेड एफ जीरो फॉर लिक्विड्स इफ ए लोड एंड एंड्रोप्रिएट स्टेलाइजर कंट्रोल्स आर यूज तो एक्सपोजर फेज में क्या होता है कि कोई भी आर्टिकल को हमें स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम रिक्वायर्ड होता है वन ट्वेंटी वन मिनट के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस जो होता है वो थर्टी मिनट के लिए वन ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें कोई भी एक जनरल लोड को स्टेलाइज कर सकते हैं हम ये एक स्टैंडर्ड टाइम एंड टेम्परेचर है इसके अलावा अगर आप वैलिडेट करते हो तो टेम्परेचर को ज़्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो अगर टेम्परेचर को कम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जो तो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी अगर टेम्परेचर कम करते हो तो इसलिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा आपका स्टेलाइजेशन का ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम कितना लगेगा टेम्परेचर टाइम का क्या को है ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ वो आप चेक कर सकते हैं प्ले में जाकर सो so, एक्सपोजर हो गया हमारा अब नेक्स्ट है जो लास्ट वन होता है हमारा पोस्ट कंडीशनिंग इन पोस्ट कंडीशनिंग ड्यूरिंग दिस फेज ड्राई गुड्स लोड्स आर कूल्ड एंड ड्राइड और ए लिक्विड लोड इज़ कूल्ड द चैम्बर प्रेशर इज़ बोट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर तो इस फेज़ में क्या होता है कि जो हमारा ड्राई गुड्स लोड्स होते हैं या फिर ड्राई सॉरी लिक्विड लोड होता है उसको हम कूल cool करते हैं और जो चैम्बर का प्रेशर होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर पर हम लेकर आते हैं तो ये पोस्ट कंडीशनिंग हो गया रेफरेंस गाइडलाइंस हमने कौन कौन सी यूज़ की है ये वीडियो बनाने के लिए तो फर्स्ट वन इज लेविस आर प्रैक्टिकल गाइड टू ऑटोक्लेव वैलिडेशन and the next one is principles and methods of sterilization in health sciences john j perkins so thanks for watching pharmagyan please don't forget to like share and subscribe our channel pharmagyan